क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। यह अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ जाएगी। जब हम जिंदा रहने के लिए खाते थे तो हमें जो मिलता था हम खा लेते थे। अब जबकि हम चुन सकते हैं, हमें वो चुनना है जो शरीर के लिए सबसे अच्छा है। अगर हम इस तरह नहीं चुनते तो हम किसी तरह जीकर चले जाएंगे। ये सारी चीजें सिर्फ उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन को बेहतर कैसे करें, थोड़ा और बेहतर काम कैसे करें, जीवन के दूसरे आयाम को कैसे खोलें। अगर ऐसी चिंताएं हैं, फिर आप इस मशीन में किस तरह का भोजन या ईंधन डालते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सभी चीजों में एक मूंगफली। मैं मूंगफली के बारे में विशेष रूप से उत्साहित हूं क्योंकि मेरे जीवन में एक दौर था जब मैंने सिर्फ मूंगफली और केले पर जीवन बिताया, बस इतना ही, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस भिगोई हुई मूंगफली, बस इतनी मूंगफली रात भर भिगोकर और एक केला, मेरा पूरा दिन निकल जाता था और पूरी तरह से सक्रिय, ज्यादातर लोगों की कल्पना से भी ज्यादा सक्रिय। इसमें आपका जीवन चलाने के लिए सब कुछ है। यह अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है। अगर आप इसे 6 से 8 घंटे तक भिगोते हैं तो पित्त निकल जाता है। आप पित्त जानते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आयुर्वेद इसी पर आधारित है, उष्ण शीत और पित्त। इससे पित्त निकल जाता है। और इस भीगी हुई मूंगफली को अच्छी तरह चबा कर खाना, बस ये पक्का करें कि यह जेनेटिक इंजीनियरिंग की हुई बकवास नहीं है। एक चीज ये है कि शायद इसमें जेनेटिक बदलाव किए गए हों। अब वो ये नहीं लिखते कि किसमें बदलाव किया गया है और किसमें नहीं। एक और चीज ये है कि आप इस हद तक फर्टिलाइजर और कीटनाशक डाल रहे हैं कि मूंगफली अब मूंगफली नहीं रही। बस ये पक्का करें कि वो ऑर्गेनिक मूंगफली हो। अगर आप नाश्ता बनाना चाहते हैं, आप एक रेसिपी चाहते हैं, तो मुट्ठी भर मूंगफली लीजिए, उसे 6 से 8 घंटे तक पानी में भिगोइए, इसे मिक्सर में डालिए। अगर आप कोई फल डालना चाहते हैं तो एक केला या आप जो चाहें वो डालें, केला उसमें अच्छा लगता है, आप कोई दूसरा फल भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा शहद भी डालें। 2 मिनट, शानदार नाश्ता तैयार। इसे बनाने में केवल 2 मिनट लगते हैं। अगर आप इसे थोड़ा पतला चाहते हैं तो इसमें थोड़ा और पानी डालिए और बस इसे पी लीजिए। आप इसे दलिया जैसा चाहते हैं तो इसे गाढ़ा बनाइए और इसे खा लीजिए। आप देखेंगे कि ये आपको आसानी से 4 से 5 घंटे तक ऊर्जा देगा और ये बहुत पौष्टिक है। अगर आप पॉजिटिव प्राणिक भोजन खाते हैं तो ऊर्जा सक्रिय रूप से स्पंदित होगी। खासकर कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, उनमें से एक है सफेद कद्दू। सफेद कद्दू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आप मेरे ख्याल से इन दिनों आप सिर्फ उसे अपने घर के सामने लटकाते हैं या सड़क के 3 कोनों पर तोड़कर भैंस को दे देते हैं, लेकिन आप उसे नहीं खाते। नहीं, इसे खाना चाहिए क्योंकि इस सब्जी में इतनी ज्यादा प्राणिक ऊर्जा होती है। आप उसे अपने घर के सामने लटकाते हैं ताकि वहां अच्छी ऊर्जा हो, लेकिन अगर उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा है तो क्या उसे अपने अंदर डालना अच्छा नहीं होगा? उसे आपके अंदर डालना अच्छा है, खासकर अगर आप
इस पर कई प्रयोग हुए हैं। अगर आप रोजाना एक ग्लास सफेद कद्दू का जूस पिएं, तो आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाएगी और आप साफ तौर पर देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ जाएगी। खासकर बच्चों को सफेद कद्दू का जूस जरूर पीना चाहिए। रोज सफेद कद्दू खाने से आप साफ साफ देखेंगे कि आपका दिमाग बहुत स्पष्ट और तेज हो गया है। कुछ हफ्तों तक सफेद कद्दू का सेवन करने से ही यह दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि सुबह आप कॉफी पीते हैं, वो आपको चिड़चिड़ाहट के साथ ऊर्जा देता है। आप एक ग्लास सफेद कद्दू का जूस पिए, वो आपको जबरदस्त ऊर्जा देगा। साथ ही वो आपको बहुत बहुत शांत भी रखता है। आप उसे जितना पी सकें उतना पीना चाहिए। लेकिन वे लोग जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें आसानी से सर्दी खांसी हो जाती है, ऐसे लोग अगर सफेद कद्दू का जूस पिएंगे तो आपको तुरंत सर्दी हो जाएगी, क्योंकि ये शरीर को ठंडा करता है। अगर ऐसी समस्या है तो ऐसे लोगों को हमेशा सफेद कद्दू के जूस में थोड़ा सा शहद या काली मिर्च डालकर पीना चाहिए। ये सफेद कद्दू के ठंडक लाने वाले असर को कुछ हद तक कम कर देगा।